फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने मोटरोला का डिवाइस, मोटरोला का कोई भी फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। एक मेथड जिससे मैं बताऊंगा, मेरे पास है मोटरोला मोटो वन विज़न है मेरे पास, और इसमें बताऊंगा किस तरीके से आप रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्विच ऑफ करना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग आ रहा है, तो अपने फ़ोन को ऐसे करके ऑफ कर लीजिए, ये हो जाएगा ऑफ। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ऑफ करने के बाद आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन एक साथ में, वॉल्यूम डाउन बटन आपको दबाना है एक साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर बटन है यहाँ पे, और एक बटन तो ये हो गया आपका जो वॉल्यूम बढ़ाते हैं और ये घटाते हैं, और ये पावर बटन हो गया। तो हम दोनों को एक साथ में प्रेस करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, इसके नीचे वाला करेंगे और ये वाला करेंगे, ठीक है, एक साथ में प्रेस करेंगे। जैसे ही वाइब्रेट होता है वैसे ही आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉल्यूम बटन होता है, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन होता है, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम अप बटन होता है। तो आपको ये पावर बटन और ये वाला बटन, ये वाला मत करना, ये वाला दबाना है आपको, पावर अप बटन एक साथ में। तो चलिए मैं इसको प्रेस करता हूँ और वेट करते हैं बूट होने का। तो आप देख सकते हैं हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाता है। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन मोड आ रहा है आपको, मोड सेलेक्टेड। तो फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन आएगा तो डाउन बटन से ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ऊपर आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर दिखेगा रिकवरी मोड, उस पर क्लिक करके आपको पावर बटन को प्रेस कर देना है या फिर डाउन बटन प्रेस कर देना है। तो ये डाउन बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो रीसेट मोड में चला जाएगा। यहाँ पे डाउन बटन दबाने के बाद आपको इस तरीके का आएगा, उसके बाद आपको अप बटन दबाना है और फैक्ट्री रीसेट पे जाना है। ये रहा डाटा स्वाइप फैक्ट्री रीसेट। अपडेट से रिलेटेड करना चाहते तो ऊपर पे जा सकते हैं, लेकिन ये आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पावर बटन दबा देना है। उसके बाद यस नो, तो हम यस करेंगे, यस पे क्लिक करके फिर से पावर बटन को हम प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये 3 स्टेप फ्री हो जाएगा, उसके बाद आपका ये सिस्टम नाउ रिबूट। तो एक बार ये हो चुका है, स्वाइप डाटा, उसके बाद पावर बटन, उसके बाद ये यस, उसके बाद ओके। उसके बाद आपको नाउ बूट पे क्लिक कर देना है आपको। और ये आपका रीसेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अपने फ़ोन को आप रीसेट कर सकते हैं। जो मेथड बताया बहुत ही आसान है और इजीली आप कर पाएंगे। हेलो मोटो,
उसके बाद इस तरीके का आएगा ऑप्शन, उसके बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नेटवर्क को स्किप कीजिए, वाईफाई को स्किप कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, एक्सेप्ट। आप चाहे तो ये सब पढ़ सकते हैं, गूगल के बारे में आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, कोई भी ऐप्स स्टॉक रैम पे जो इनके रन करता है। तो इसके बाद फिर से एक बार बैक कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। पैटर्न लॉक नहीं लगाने, कोई भी लॉक नहीं लगाना। उसके बाद फिर से स्किप पे क्लिक करेंगे, अवे, और बस कुछ सेकंड में आपका जो फ़ोन है वो रिबूट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करें और ये ऑप्शन आएगा, तो ईमेल आईडी को स्किप करें और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें, तो आपका फ़ोन रीसेट हो चुका है। गाइस, इसी तरीके से आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी सुझाव हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।